होगी और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। बनारसी पान और बनारसी साड़ी के बाद अगर बनारस में कुछ मशहूर है तो वो है बनारस का स्वाद। और आज मैं मौजूद हूँ लक्सा रोड स्थित दीना चाट भंडार के पास। सर, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हमें 25 साल हो गए। 25 साल, तो ऐसे 25 साल में आपको क्या लगता है, कोरोना के बाद क्या कस्टमर्स की संख्या में कोई कमी आई है? कोरोना के बाद संख्या में कमी नहीं, बल्कि बेहतर है या चल रही है। और हमारे चाट लोग पसंद करते हैं, बनारस की चाट है। और बाहर से यात्री तो गंगा आरती देखने के बाद यहाँ आते हैं, खाते हैं, बेहतरीन चाट होती है हमारे। इस वक्त अब आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? टमाटर चाट बना रहे हैं। टमाटर चाट यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि क्वालिटी सही है इसकी। और ये चाट बनारस में ही मिलती है, और बनारस की वह कहीं नहीं मिलती है, इसको बनारसी चाट कहते हैं, फेमस आइटम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चाट टमाटर चाट जी। और आलू टिक्की चाट या टिक्की चाट ऐसा भी मैंने सुना है, वो भी काफ़ी मशहूर। वो भी है, मतलब मेन टमाटर चाट ही है वो। आलू चाट, पापड़ी चाट, बास्केट चाट, छुड़वा मटर, ये लोगों की ही पसंद है, मगर मेन जो है टमाटर ही है, जो कि ये दरअसल यहाँ नहीं मिलती है, और इसके सिवा बना सिवा कौन नहीं मिलती। तो चलिए ग्राहकों से जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आप यहाँ पहली बार आ रही हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम मैम, तो आपने क्या ऑर्डर किया है? अभी तो आलू चाट ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ का टमाटर चाट भी बहुत फेमस है। तो ऐसी क्या बात है, आपको किसने बताया इस दीना चाट भंडार के बारे में जो आप यहाँ पे आ गए? बहुत लोगों से सुना है यहाँ पे कि यहाँ की सबसे फेमस जगह है यहाँ, और हमारा कॉलेज भी पास में है, तो हमने सोचा कि ट्राई करें। रेगुलर कस्टमर है यहाँ? रेगुलर है, हम लोग रेगुलर है यहाँ, हम लोग प्रॉपर बनारसी हैं, तो हम लोग यहाँ अधिकतर आते रहते हैं। क्या लग रहा है, कोरोना के बाद लोगों का कहा जाता था कि बाहर का नहीं खाना है ये सब, तो आपको क्या लगता है? यहाँ के लिए शायद लागू नहीं होता है, यहाँ प्रॉपर हाइजीन रहती है हमेशा, मतलब शुरू से ही, ऐसा नहीं कि कोरोना के टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है, शुरू से ही, मतलब हम जब छोटे थे अपने मॉम डैड के साथ जब से आए हैं तब से यहाँ प्रॉपर हाइजीन रहती है, और अभी तक ये कॉन्टिन्यू है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग रेगुलर वाले हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है? बस ये जो खा रहे हैं, बास्केट चाट और गोलगप्पे, अभी बस बाहर जाएंगे तो गोलगप्पे खाएंगे। यहाँ की टमाटर चाट मैंने सुना बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। जी जी, काफ़ी मशहूर है, मतलब मीन्स एक बाइट से ही आपको सारे स्पाइसेस और जो चटनी जो सारे सब ये लोग डालते हैं वो एकदम एक ही स्वाद एक ही चम्मच में आ जाता है पूरा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या अलग बात है जो बाकी बाहर चाट में नहीं है? बस वही है, स्वाद मेन होता है, टेस्ट। जहाँ पे एक बार जैसे टेस्ट लग जाता है जहाँ का, तो फिर आदमी वहीं जाता है, तो हम लोग के साथ भी वही है, एक बार यहाँ पे टेस्ट लग गया तो हम लोग प्रॉपर ही यहीं आते हैं और कहीं। शुभम केसरी। शुभम केसरी, तो सर ये जो चाट भंडार है वो काफ़ी ऐतिहासिक चाट भंडार है, इसे आप लोग यहाँ तक लेकर के कैसे आए? इसकी जो शुरुआत थी वो दादाजी ने की थी मेरी, 80 साल पहले वो खुमचे लगाते थे। खुमचे के बाद फिर उन्होंने एक छोटा सा दुकान लिया, चौक पर दुकान है, वो भी आज भी है। उस दुकान के बाद वो धीरे धीरे कैटरिंग काम करने लगे, कैटरिंग काम से करते 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 जब धीरे धीरे आगे बढ़े वो, फिर लक्सा पर दुकान खोले, यहाँ बड़ी दुकान खोले शॉप, फिर यहाँ से धीरे धीरे वो, फिर हमारे पिताजी आए सेकेंड जनरेशन, उसके बाद फिर हम लोग आए थर्ड जनरेशन, आज थर्ड जनरेशन है जो हम लोग बिजनेस चला रहे हैं। तो सर ये काफ़ी मशहूर है यहाँ बनारस में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाना वाला चाट कौन सा है, या फिर कौन सी डिश यहाँ पे ग्राहकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है? कस्टमर सबसे ज़्यादा पसंद करता है हमारे यहाँ टमाटर चाट और पालक चाट और पानी पूरी, क्योंकि टमाटर चाट जो है वो पूरे बनारस में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो हमारे मिल जाएगा हमारे शॉप पर, उसका टेस्ट हमारे जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आमतौर पर टमाटर बहुत लोग बनाते हैं, वो केवल आलू और टमाटर मिक्स करते हैं, पर हमारे यहाँ उस मसाले की ग्रेवी बनती है जो और कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो टमाटर चाट और पालक चाट ही मेन है। तो सर जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था तो उसमें काफ़ी दुकानें रेस्टोरेंट्स ये सब बंद कर दिए गए थे, तो उसमें आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन के बाद जब दुकान खुले हम लोग का अनलॉक हुआ तो कस्टमर तो खाने में थोड़ा सा डर रहे थे, मतलब कि सफाई है कि नहीं है, सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीमार कोरोना ना आ जाए, इसको लेकर हुए कस्टमर तो आ नहीं रहे थे, बहुत कम आ रहे थे। फिर हम लोगों ने सैनिटाइज दुकान करते हैं हर दो घंटे पर, स्टाफ को मास्क बनाया है, ग्लव्स बनाया है, सब पहना कर दुकान को थोड़ा सफाई थोड़ा रखा हुआ है, फिर धीरे धीरे से अनलॉक होता गया, कस्टमर आते गए,
फिर नॉर्मल जैसे होता है बस चलने लगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। तो कस्टमर्स की संख्या में क्या कुछ कमी देखने को आपको मिल रही है? पहले था मगर अब नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था बस तरह फिर हो गया। और जैसे कि कोरोना के बाद जिंदगी सड़क पे उतर रही है, पटरी पर आ रही है, तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको लेके सोशल डिस्टेंसिंग का आपने क्या ध्यान रखा है? देखिए खाने को लेकर तो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग तो बोल रहे भाई कस्टमर थोड़ा सा दूरी बना के खाइए, थोड़ा सा मेंटेन करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी बहुत ख़राब है। तो हम लोग अपने टेबल पर एक जहाँ पे 8 लोग बैठते हैं वहाँ 4 बैठा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दीना चाट भंडार के ओनर शुभम केशरी जी।